जैसे कि पता है आप लोगों की महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि भोलेनाथ का सबसे मेन पर्व है, तो आज हम लोग आए हैं यहीं पे और अभी जल वगैरह सारा कुछ चढ़ाएंगे और भीड़ जो है यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे सारे मित्रगण भी आए हैं और हम भी आए हैं, तो सारे लोग आए हैं, बस जल ढारेंगे बाबा को। भाई साहब जो भीड़ है ना भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि एकदम मेला पूरा लगा हुआ है। तो भैया जी बाबा के लिए जल ले चुके हैं और अब बस जाना है मंदिर में जल चढ़ाने बाबा को। बहुत लंबी कतार लगी हुई है, पता नहीं आवाज जा रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट जाना तो है बाबा के पास। दादा लगा हुआ है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, वो अभी ऊपरी परिसर में हम लोग हैं और ऊपर भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना ज्यादा भीड़ है लगा हुआ है यहाँ पे। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तो भाई साहब आप भीड़ देख सकते हैं भाई, इतना ज़्यादा भीड़ है सुबह से 3 बजे से लेके ही भक्त का तांता लगा हुआ रहता है भोले बाबा का जल चढ़ाने के लिए और अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब इतनी मशक्कत के बाद बाबा को जल चढ़ा लिए हैं और बस अब थोड़ा सा मेला घूम लेते हैं, क्योंकि मेला जो है 3 से 4 दिन तक यहाँ लगता है, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे थे, तो 3 से 4 दिन तक मेला लगेगा ही। और खाना उसके बाद आज मेला में जितना भीड़ है ना भाई, क्या गजब का भीड़ है। और पिछला ब्लॉग आप लोगों देखे होंगे पीर बाबा का मेला वाला, उससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ इसमें है। तो भैया जी अभी कुछ लोग मिल गए जो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे मित्र भी हैं, तो हर हर महादेव। और इसको बोलते भाई स्वार्थी पेटू इंसान, देख लीजिए, मतलब कि जल चढ़ाए नहीं कि नमकीन नमकीन, और यह प्रोडक्शन का काम हो रहा है, बताइए कि ऐसे अकेले अकेले छोड़ के खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ आप मांगे तो आप लोग पहले से आके खा रहे हैं। क्या गुलशन खाया क्या? हम फास्टिंग में। ओ, फास्टिंग में। इतना बोलते बोलते लग गया हमको प्यास और बगल में ही मिल रहा है शरबत, तो शरबत कैसे छोड़ सकते हैं, तो बस चल रहे हैं। और फ्री फ्री सेवा है सर क्या? हाँ हाँ छोड़ कैसे सकते, तो पीना तो है भाई, एक बार पी लेते हैं। भैया जी हो गया, यहाँ का सारा कुछ आपको दिखा दिए और इतना ज़्यादा भीड़ था, कंजेस्टेड पूरा बना हुआ था। तो अभी हम लोग जाएंगे घर और घर से फिर कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब पूरा दिन आज सैर करने वाले हैं और मंदिर सब घूमेंगे। और अभी थानेश्वर स्थान का प्लान बन रहा है, उसके बाद मोक्षधाम भी जाएंगे, पूरा समस्तीपुर भी घूमेंगे और हो सकता है तो रात में शिव विवाह भी दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में और अब चलते हैं घर की ओर। भैया जी तो खुदनेश्वर धाम से हम पहुंचने वाले हैं थानेश्वर स्थान। हाँ जी भैया जी, थानेश्वर स्थान। तो अभी हम लोग अपने शहर के ट्रैफिक भोलेनाथ
के जो भक्त लोग का जो जाम है तो अभी यहाँ से ही शुरू हो चुका है और हम लोग जाम का सामना करते हुए जा रहे हैं मंदिर पे। तो मंदिर पर सर के आप बाहरी भाग देख सकते हैं, यानी कि बाहर फर्स्ट गेट जो दुल्हन की तरह एकदम सजा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब अंदर चलते हैं, आपको सारा कुछ अभी अंदर में दिखाते हैं। तो भैया जी, अभी हम थानेश्वर स्थान आए हैं और छत पे खड़े होके ऊपर से आपको सारा कुछ व्यू दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी एकदम मस्त लग रहा है देखने में। और भक्तों का तांता जो है लगातार एकदम बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ से लगा हुआ है, पूरा एकदम छत पे हम खड़े होके आपको दिखा रहे हैं ये सब व्यू। और अभी जस्ट खुदनेश्वर स्थान से जल चढ़ा के थानेश्वर स्थान तक आ गए हैं। तो आप लोगों को सारा व्यू कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भीड़ में पूरा एकदम मेला वाला सीन बना हुआ है, तो सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं अभी। शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, एकदम भक्तों का जो है दाता बाबा को जल चढ़ाने के लिए एकदम लगा हुआ है। और सारे भक्त जन कुछ ना कुछ मन में जरूर सोचते हैं कि हाँ बाबा को जल चढ़ाएंगे तो ये चीज़ पूरा हो जाएगा। तो वो जो सीन होता है ना, बहुत गजब का सीन होता है। और सारे भक्त जन के पास ये माइंडसेट होता है कि भगवान से आज ये मांगना ही है। और महाशिवरात्रि का ये जो दिन है बहुत पवित्र होता है, उसी के कारण ये सारा कुछ भीड़ लगा हुआ है। एकदम सावन वाला फीलिंग आ रहा है अभी। कोरोना काल में भक्तों की संख्या कम थी, जब से कोरोना का थोड़ा डाउन हुआ है तब से भीड़ों का अपार लगा हुआ रहता मंदिर में। अच्छा, लगभग आज कितने भक्तजन आ गए होंगे? कम से कम 5-7 लाख भक्त अभी तक जलाभिषेक करते हुए अभी तक। भाई साहब, आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई साहब, आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो तांता है भगवान को जल चढ़ाने के लिए वो लगातार लगा हुआ है। और जो व्यू आपको देखने को मिला भाई, गजब का। 1700 साल के बाद ऐसा बहुत आया है। 1700 साल के, अभी जी अंकल जी बता रहे कि 1700 साल के बाद आज का दिन यानी शिवरात्रि का ऐसा मुहूर्त आया है। आज के दिन कैसा स्थिति हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, मांग के देखिए। जय हो, जय हो, जय भोले। चलिए, रहेगी तेरी आस्था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। मारवाड़ी बाजार में और झांकी यहाँ से निकाला जा रहा है, आगे निकाला जा रहा है, इधर इस तरफ ही आ रहा है। लेकिन अब हम लोग जाएंगे और आप लोगों को पूरा शॉर्ट्स वगैरह दिखाएंगे कि झांकी कैसे निकाला जा रहा है। पहली बार ऐसा वीडियो आ रहा है अपने चैनल पे, पूरा शिवरात्रि स्पेशल। चले बाल की सजाई के, बबूती लगाई के, बाल
अरे अरे रुकिए, कहाँ चले? अभी तो सिर्फ आप बाराती देखे हैं, भोलेनाथ की शादी तो अभी बाकी है, तो चलिए भोलेनाथ की शादी देखते हैं। सारी मस्तियों के बाद फाइनली वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया तो फिर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे भाई। बाय बाय, टाटा, सी यू।